शरद पवार की गुगली और देवेंद्र फडणवीस का विकेट महाराष्ट्र की सियासी पिच पर 2019 में जो हुआ उसका सच सामने आ रहा है। दोनों नेताओं के दावे अलग अलग हैं। 2019 का घटनाक्रम का जिक्र करते हुए शरद पवार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखा रहे हैं, तो वहीं फडणवीस विश्वघात और एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत में बयानों की आंधी आ चुकी है। इससे पहले कि ये आंधी चक्रवात का रूप ले, आप पूरा मामला समझिए। दोनों नेताओं के बीच ताजा प्रकरण देवेंद्र फडणवीस की एक टीवी इंटरव्यू से शुरू हुआ। हुआ यूं कि एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अजीत पवार के साथ मिलकर जो सरकार महाराष्ट्र में साल 2019 में बनाई थी उस पर शरद पवार ने अपनी स्वीकृति दी थी। उनसे पहले बातचीत करने के बाद ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था। शरद पवार ने सरकार बनाने पर सहमति जताई थी, लेकिन 3-4 दिन बाद वो पीछे हट गए। सरकार बनाने की कोशिश शरद पवार से चर्चा के बाद शुरू हुई। उन्हें दोहरा खेल खेला। इसके बाद अजीत पवार के पास आने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसके चलते हमने शपथ ली। और अब इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने इसे सियासी खेल की तुलना क्रिकेट से करते हुए कहा है कि मैंने गूगली फेंकते हुए साल 2019 में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ चर्चा की थी। देवेंद्र फडणवीस ने विकेट दिखाई थी। अगर कोई गेंदबाज को विकेट दिखाएगा तो फिर वो बैट्समैन को कैसे छोड़ेगा। गूगली बॉल पर हमने उनका विकेट उड़ा दिया। ये एक राजनीतिक गूगली थी। पवार ने कहा है कि इन सब चीजों पर बात करने की जगह फडणवीस को महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शरद पवार का बयान सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि शरद पवार की जुबान पर सच आ गया, लेकिन ये आधा सच है। मैं भी अब और गूगली फेंकूंगा और सारा सच सामने लाऊंगा। बताते चले कि साल 2019 में महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन सीएम की कुर्सी के बंटवारे को लेकर दोनों दल अलग अलग हो गए थे। बाद में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अचानक राजनिवास में नजर आए और दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद सरकार 80 घंटे के भीतर ही गिर गई। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। ये गाड़ी भी न चल सकी। महाविकास अघाड़ी की सरकार भी पिछले साल शिवसेना में फूट के चलते गिर गई। अब शिवसेना से टूटकर अलग हुए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई। इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।